फ्रेंड्स, संगीता मिश्रु चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रोज के खाने में के साथ हम अचार और चटनी खाना भी पसंद करते हैं, पर जब व्रत उपवास होता है तो इसकी कमी हमें महसूस होती है। तो आज हम बनाएंगे व्रत उपवास में खाई जाने वाली हरे धनिया की चटनी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हरे धनिया की चटनी बनाने के इंग्रेडिएंट्स। और फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए रोस्टेड मूंगफली का चूरा, मैंने थोड़ी शुगर ली है जो कि ऑप्शनल है, और साबुत जीरा लिया है। इसके साथ हमें लेना है सेंधा नमक या सादा नमक, आप जो भी खाना पसंद करते हैं वो हमें लेना है। नींबू का रस, 3 हरी मिर्च मैंने ली है, और मैंने हरे धनिए को मोटी डंडी निकालकर ये इस तरह से बारीक स्टेम्स के साथ लिया है और इसको मैंने साफ धोकर लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये चटनी पॉट में मिर्ची को बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। मैंने 3 हरी मिर्च ली है, आप 2 या 3 जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। हरी मिर्च लेने के बाद अब हम इसमें लेंगे 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और नमक हमें लेना है स्वादानुसार नमक। उसके बाद हमें लेना है मूंगफली का चूरा, रोस्टेड मूंगफली का चूरा मैंने लिया है, 2 से 3 चम्मच हमें लेना है। ये आप ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी मैं शुगर ले रही हूँ क्योंकि हमें नींबू का रस डालना है, इसलिए 1 छोटा चम्मच शुगर भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें लेंगे धनिया, जिसको मैंने साफ धोकर लिया है और पतली स्टेम के साथ लिया है, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रफली चॉप करके ले लेते हैं हम। अब मैं इसको मिक्सर जार में पीस लेती हूँ। अब हम चटनी को मिक्सर में पीस लेते हैं। थोड़ा सा पीसने के बाद इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फिर से हम पीसेंगे इसे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा नींबू का रस डालते हैं और फिर से चटनी को पीसेंगे। फिर से एक बार हम चटनी को बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी एकदम अच्छी तरह से पीसी गई है, जरूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी डालकर भी इसे पीस सकते हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी व्रत और उपवास की हरे धनिए की टेम्पटिंग चटनी तैयार है।